हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में ऐसे प्रोडक्ट और ऐसे बिजनेस के बारे में बता रहा हूँ जिसमें आपको 100% प्रॉफिट मिलेगा। और एक ये ऐसा प्रोडक्ट है जो हर घर में यूज होता है, दुनिया के हर देश में यूज होता है। प्रोडक्ट का नाम बताने से पहले आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि शायद ही कोई देश ऐसा होगा जो इसका यूज नहीं करता होगा, और ये प्रोडक्ट है बेडशीट्स। दोस्तों, कभी आपने सोचा है बेडशीट्स के बारे में, बेडशीट्स के बिजनेस के बारे में, बेडशीट के एक्सपोर्ट के बारे में? आज मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं बेडशीट के एक्सपोर्ट के बारे में, कितनी तरीके की क्वालिटी होती है, बायर अगर आपको मिलता है इसका बेडशीट का किसी और कंट्री का तो वो आपसे क्या क्या इंस्पेक्शन मांगेगा, कहां से आपको बेडशीट सस्ती मिलेगी और कौन से देशों को आपको टारगेट करना है। मिनिमम मार्जिन में आपको बता ही चुका हूं लगभग 100 से 200% रहेगा। एक चीज और बता देता हूं, इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इस प्रोडक्ट का, तो सबसे बड़ी चीज पूरे विश्व को हम टारगेट कर रहे हैं, तो आप भी पैसा कमाइए। और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं हूं हर्ष धवन, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर और एक्सपोर्टर, और आज बात करते हैं एक्सपोर्ट के लिए एक सबसे बेस्ट प्रोडक्ट की। बेडशीट में कौन कौन सी क्वालिटीज की सबसे ज्यादा डिमांड है, यह बताने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, हाईएस्ट रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर आपको मिलेगा। हाईएस्ट रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, बेस्ट आरओआई का मतलब यार 100 से 200% मार्जिन है और क्या चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आप बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी बना सकते हैं, तो यानी इसको बनाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं। हाँ, आपको लेबर जरूर चाहिए होगी। और सबसे बड़ी चीज इसके अंदर क्या है कि इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जॉब्स हैं, 83% जो विमेंस हैं वो सबसे ज्यादा इसी इंडस्ट्री में जॉब करती हैं, काम करती हैं, तो एम्प्लॉयमेंट रेशो भी बहुत अच्छा है, यानी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए ये प्रोडक्ट और इसकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही बढ़िया। दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी क्वालिटी के। जो बायर आपसे डिमांड करेगा, आपसे बायर डिमांड कर सकता है कॉटन बेडशीट की, मतलब 100% कॉटन चाहिए, जिसकी डिमांड एक्सपोर्ट मार्केट में बहुत ही ज्यादा मिलेगी आपको, तो इसमें मार्जिन भी ज्यादा मिलेगा। एक इसी में ही, जैसे अगर मैं क्वालिटी की बात करूं, एक सैटिन आता है जो बहुत सॉफ्ट क्वालिटी की होती है, जिसे आप कह सकते हैं यार ये मखमल की तरह इतनी सॉफ्ट होती है, लस्टेरियस क्वालिटी इसको बोला जाता है, जो कि एक्सपोर्ट मार्केट में बहुत ही महंगे दामों में बिकती है। और आप भी कल को इस प्रोडक्ट में, इस क्वालिटी में काम करें तो सस्ते दामों में बिल्कुल डील मत करें, आप अपना ही नुकसान करा लेंगे। अगर हम बात करें पर सेल की, तो एक ड्यूरेबल फैब्रिक होता है जो टिपिकली यूज होता है कुछ देशों के अंदर, मतलब थोड़ा सा क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज होगा। उसके बाद होता है कॉम्बेट कॉटन, जो कि एक स्ट्रॉन्ग और सॉफ्ट लाइफ होती है इस प्रोडक्ट की। जैसे आपने सोलापुर चद्दर का हमारा अगर वीडियो देखा है तो ज़्यादातर ये उसके अंदर यूज़ किया जाता है। फिर क्वालिटी है सिल्क, जो आप जानते ही, अब सिल्क का नाम आ गया तो वो एक्सपेंसिव तो होगी ही होगी, लग्जरियस फैब्रिक में, और ये सबसे ज़्यादा लेबर इंटेंसिव वर्क इसके अंदर किया जाता है। अब बात करते हैं कि भैया बायर को अगर मैं टारगेट कर रहा हूं तो बायर मुझसे मांगेगा क्या, कौन कौन से इंस्पेक्शन मांगेगा। यार अगर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो बायर क्वालिटी का इंस्पेक्शन मांगता है। बायर सबसे पहले इसमें आपसे इंस्पेक्शन मांगेगा थ्रेड काउंट्स। अब आप कहेंगे सर एक एक थ्रेड की काउंटिंग मैं कैसे करूंगा? नहीं, इसमें क्या होता है, मैं आपको पहचान का तरीका बताता हूं ताकि आपको इंस्पेक्शन कराने में आसानी हो। इसमें जो होता है, जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल थ्रेड जो होते हैं वो पर स्क्वायर इंचेस से काउंट किए जाते हैं। जितने ज्यादा थ्रेड होंगे उतनी ही सॉफ्ट बेडशीट निकलेगी। नॉर्मल थ्रेड की बात करूं 200 से 1000 काउंट निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि 200 वाली अच्छी नहीं होती कि 1000 वाली अच्छी ही निकलेगी, बट डिपेंड होता है, करता है ये फैब्रिक के ऊपर। अब जैसे इसमें एक और फैब्रिक आता है जिसे हम बोलते हैं माइक्रो फाइबर। अब माइक्रो फाइबर क्या होता है, ये जो फाइबर निकला हुआ होता है ये पॉलिएस्टर से निकला हुआ होता है, जो कि लेस ब्रीथेबल होता है, मतलब यानी हर कोई इस फाइबर के अंदर, इस बेडशीट में जब बेड को बिछाता है तो कंफर्टेबली आप इसमें सो नहीं पाते, तो ऑब्वियसली ये सस्ते रेट पे होगा। अगर मैं बात करूं सेंसिटिव स्किन की, तो ये फाइबर जो होता है, यानी इससे बनी हुई जो बेडशीट होती है वो सेंसिटिव स्किन के लिए नहीं होती, तो इसीलिए सस्ते रेट के भी ऑप्शन है आपके पास और महंगे रेट के भी ऑप्शन है। अब बात करते हैं कि आपको बेडशीट
कहाँ से सस्ती मिलेगी, या मैं ये कहूँ कि हैंडलूम का प्रोडक्शन इंडिया में कौन से स्टेट्स में सबसे ज़्यादा हो रहा है। जैसे आप आसाम से ये ले सकते हैं, वेस्ट बंगाल से ले सकते हैं, मणिपुर से ले सकते हैं, तमिलनाडु से ले सकते हैं, त्रिपुरा से ले सकते हैं, हरियाणा में भी अच्छा खासा इसका प्रोडक्शन हो रहा है। अब बात करते हैं कि अगर आप इस ट्रेड में उतरेंगे, इस बेडशीट को एक्सपोर्ट करेंगे, तो आप कौन से चैलेंजेस फेस करेंगे। सबसे पहले एक चीज़, आपको एक अच्छा सप्लायर या मैन्युफैक्चरर चाहिए जो टाइम से आपकी डिमांड पूरी कर सके। अब एक चीज और, अगर आप माइंड में ये लेके जा रहे हैं कि इसमें मुझे उधार मिलेगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। यहां पे सारा काम नकद में होता है। प्लस अगर आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो आप नुकसान कर सकते हैं। दोस्तों अब बताता हूँ कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा बेडशीट्स को एक्सपोर्ट करती है और कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करती है। मैं तो आपको यही सलाह दूंगा, अगर आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो रही है, आप कंफ्यूज्ड हैं, तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत आसानी से कम इन्वेस्टमेंट में आप शुरू कर सकते हो। ये वो प्रोडक्ट है जो आप सिर्फ मात्र 20-25 हज़ार से ही आप शुरू कर सकते हो। ई कॉमर्स के थ्रू भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, LCL कार्गो में भी कर सकते हो, FCL कार्गो में भी कर सकते हो। तो जो ये चॉइस जो है आपके। चलिए अब बताता हूँ कौन से देशों में ये सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट की जाएगी, कौन से देशों में और भी हैं जो ये इम्पोर्ट करा रहे हैं। दोस्तों कौन से देशों को आपको टारगेट करना चाहिए, अब बात करते हैं टॉप इंपोर्टिंग कंट्रीज ऑफ बेडशीट की। सबसे पहले आप USA को टारगेट करिए, $755 मिलियन का इसका इंपोर्ट है। जर्मनी को टारगेट करिए, $300 मिलियन का ये भी इंपोर्ट कर रहा है। UK को टारगेट करिए, $206 मिलियन का ये भी इंपोर्ट कर रहा है। फ्रांस को टारगेट कर सकते हैं, $186 मिलियन का ये भी इंपोर्ट कर रहा है। अगर मैं एक्सपोर्ट की बात करूं तो चाइना इसका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। अरे बाप रे, चाइना ने यहाँ पे भी बाजी मार रखी है। उसके बाद इंडिया का नंबर आता है, जैसे मैंने आपको बताया सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। पाकिस्तान भी इसे अच्छा खासा एक्सपोर्ट कर रहा है, पोर्टुगल भी इसे अच्छा खासा एक्सपोर्ट कर रहा है, और कुछ हद तक जर्मनी भी आपको इस फील्ड में मिलेगा। तो दोस्तों ये है बेडशीट। दोस्तों सबसे पहली चीज़, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो ध्यान से सोच समझ के और सीख के करिए। दिल्ली में रजिस्टर्ड ऑफिस हमारा दिल्ली में है, ऑल ओवर इंडिया हमारी वर्कशॉप चलती रहती है, ऑनलाइन और ऑफलाइन हम दोनों तरीके से आपको ट्रेन करते हैं, प्रैक्टिकली ट्रेन करते हैं, तो डिटेल में एक एक स्टेप आपको सिखाते हैं। तो अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस प्रैक्टिकली सीखना है, स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, हमें कॉल कर सकते हैं और हमारी कोई भी वर्कशॉप ऑनलाइन या ऑफलाइन आप ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर करें, और जो लोग पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।